बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी ना किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है।